नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः आपके लिए यूपी टेट 2018 में आने वाले गणित के संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें पार्ट वन आज हम लोग देखेंगे। 25 क्वेश्चन ऐसे हमने चयन किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक यानी 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आप देखिएगा। हम लोग इस पूरी यात्रा में, इस पूरे प्रश्नों की कड़ी में ये भी जानेंगे कि प्रश्नों को कैसे जल्दी से हल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसी तरह के अगर और प्रश्न आते हैं तो उनकी एक व्याख्या भी प्रश्नों के साथ आपको मिलती रहेगी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग। एक तो 91 जो है 13×7 से के गुणनफल से बना है, तो हम चाहे तो इसमें 7 से भाग दे करके ये पता कर सकते हैं कि कौन संख्या 7 से कट रही है। अगर 7 से कटने वाली इसमें संख्या 2 मिलती है तो फिर हम उसे 13 से भी चेक करेंगे। 13 से भी अगर 2 संख्या मिलती है तो उन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगी। इसके अलावा अगर ये जब भी पूछा जाता है कि 5 अंक की या 4 अंक की, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है ये 5×9 लिख दीजिए, या 99,999 ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। अब हमको ये पता करना है कि ये 99,999 ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन वो संख्या ज्ञात करना है जो 91 से पूरी तरह कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या में 91 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर देखिए एक बार जाएगा और ये 91 हम लोग यहां लिख लेंगे, और 9 में से एक गया 8, ये 9 और ये 9, और फिर ये 9 बार जाएगा तो 9 बार देखिए 9×1=9 और 9×9=81, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और यहां देखिए 0 हो जाएगा, ये एक 9 और आ गया। अब 8 बार जाएगा तो 8×8 8×9=72, तो देखिए 9 में से 8 गया 1, ये 10 में से 2 गया 8 और यहां 0, ये 81 शेष आया। तो अगर 99,999 में से ये 81 माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, यही एक्स्ट्रा हो रहा है जो शेष बच रहा है, तो ये 91 से पूरी कट जाएगा। तो 99,999 में ये जो 5 अंक की संख्या है इसमें से 81 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ये 9, ये 9 और ये 9, तो 99,918 सबसे वो बड़ी संख्या है जो 91 से कट जाएगी, तो इसका आंसर सी होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या में 2 अंक हैं, यानी 2 अंक की वो संख्या है जिनका योगफल 12 है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं, तब वो संख्या क्या है? 18 जोड़ने पर जो अंक रहता है वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले वो संख्या 57 है, अगर इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो 8×7=15 और 5×1=6=7। तो देखिए पहले 5 यहां है, अब 5 यहां आ जा रहा है, 7 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर आ जा रहा है। तो वह संख्या बतानी है जिसमें 18 जोड़ने पर संख्या के अंक बदल जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों में हम लोग सदैव विकल्प से जल्दी कर सकते हैं। तो विकल्प से जल्दी करने के लिए देखिए, अगर इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो 8×8=16 हो जाएगा, जबकि ये संख्या 48 है, तो ये अंक पलटेगा तो 84 होगा, तो ये होगा नहीं। ये 57 है, 57 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 8×7=15 और 5×1=6=7, ये संभावना हो सकती है। इसमें आप अगर 18 जोड़ते हैं तो
तो 8 5 13 हो जाएगा। देखिए 3 आ गया इकाई के स्थान पर, जबकि इकाई के स्थान पर या तो 7 या तो 5 होना चाहिए, यह आंसर नहीं हो सकता। इसमें 18 जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 आ जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो सकता है, आंसर 57 हो सकता है। कैसे, इसमें आप अगर 18 जोड़ते हैं, देखिए 18 जोड़ते हैं तो 8 7 15 5 और 5 1 6 1 7 ये अंक पलट गए, इसका मतलब ये आंसर होगा। तो सबसे इस तरह के सबसे ज्यादा आसान तरीका यह है कि आप ऑप्शन से चलें, यानी विकल्प ले करके जल्दी से उत्तर पाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में इकाई के अंक पता करने के लिए आता है, तो एक चीज आपको जाननी होगी कि जैसे देखिए 0 1 5 6 ये 4 ऐसी संख्याएं हैं कि इनका पावर आप जो करेंगे इकाई के स्थान पर यही अंक आ जाएंगे। इनका चाहे आप जो पावर कर दीजिए, पावर मतलब जैसे मान लीजिए आपने पावर 50 कर दिया तब भी इकाई के स्थान पर 0 मिलेगा, 1 का भी पावर 50 करेंगे तब भी इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा, इसी तरह से 5 की पावर भी 50 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 मिलेगा, 6 के पावर अगर आप 50 करेंगे तो भी इकाई के स्थान पर 5 मिलेगा, अरे 6 मिलेगा। अब इनके अलावा जो संख्याएं बचती हैं उसमें देखिए 4 है, 9 है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। इनके अलावा जो संख्याएं बच गई हैं, यानी 0 1 5 6 के अलावा जो संख्या बची है वो ये संख्याएं हैं। अब इसमें से ये जो दो संख्याएं हैं ये 2 के और 3 के वर्ग हैं, ये 2 के वर्ग हैं, ये 3 के वर्ग हैं। बाकी ये 2 3 7 8 ये जो दो ये संख्याएं जो हैं, इनका अगर आप 4 का पावर करेंगे, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि पावर करने पर इन संख्याओं के, चाहे इन संख्याओं के इतना पावर कर दिया जाए कि या तो इकाई के स्थान पर 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, ये उद्देश्य है। तो 4 के पावर अगर 2 करेंगे, देखिए 4 के पावर अगर 2 करेंगे तो 16 आएगा, तो इकाई के स्थान पर 6 आ गया, तो 6 हमारा ये इनमें से एक संख्या हो गई, तो ये हरदम हमारा काम करेगा, हर 4 के पावर 2 पर इकाई का अंक 6 मिलेगा। इसी तरह से 9 है, 9 के पावर अगर आप 2 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा, 9 के पावर 2 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा, यानी हर 9 के पावर 2 में इकाई के स्थान पर 1 मिलने वाला है, जो कि इनमें से एक है, ये हमारा काम बन जाएगा। 2 के पावर अगर आप 4 करते हैं तो इकाई के स्थान पर 6 मिलेगा, देखिए 2 के पावर 4 करना या 4 के पावर 2 करना, वही 2 2 4 2 8 2 16 हुआ। 3 के पावर अगर आप 4 करते हैं तो ये देखिए 81 हो जाएगा, यहां भी इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। 7 के पावर अगर आप 4 करते हैं तो इकाई के स्थान पर आपको 1 मिलेगा। 8 के पावर अगर आप 4 करते हैं तब आपको इकाई के स्थान पर 6 मिलेगा। तो ये जो संख्याएं हैं इनका पावर जब आप करते जाएंगे, 8 के पावर देखिए 8 के पावर 2 करेंगे तो ये 64 होगा, 64 में फिर 64 के गुणा करेंगे तो 8 के पावर 4 होगा, तो ये 4 4 16 इकाई के स्थान पर आपको 6 मिलने वाला है। तो ये चीज अगर आपको ज्ञात है, ये चीज अगर आपको जानकारी में है तब आपका काम बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो आइए इसी का यूज हम लोग करते हैं। अब ये पता चल गया कि 7 के पावर 4 करने पर इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा, तो 7 के पावर 4 कर दिए। अब 71 को लिखना कैसे है, अब 71 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 3 आया और 31, 4 7 28, 11 में से 8 गया 3 बचा, ये 3 शेष बच गया। तो 7 के पावर 4 के पावर 17 हम लिख सकते हैं, तो 17 4 68 हो गया और गुणे 7 के पावर 3, ये 68 और 3 देखिए 71 हो जाएगा, गुणे 6 के पावर 63 है। तो मैंने आपको बताया कि 6 का चाहे जो पावर करेंगे इकाई के स्थान पर 6 ही मिलेगा। अब आइए 3 के पावर 65 है, तो हम 3 के पावर 4 का पावर 4 लिखना चाहते हैं तो 16 4 64 होता है, तो 16 4 64 ये 3 के पावर 64 हो गया और 3 के पावर 1 और तो 65 हो गया,
अब देखिए यहाँ 7 के पावर 4 है, तो 7 के हर 7 के पावर 4 में इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा, तो ये 1 के पावर 17 आ गया। ये 7 के पावर 3 गुणे 6 के पावर 63 में इकाई के स्थान पर 6 ही मिलेगा। यहाँ 3 के पावर 4 में इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा और इसका पावर 16 गुणे 3 के पावर 1। अब देखिए ये 7 है, 7 के पावर 3 है, तो 7 × 7 = 49 हुआ, 7 × 7 = 49 हुआ, फिर इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 9 = 63, यानी इकाई के स्थान पर यहाँ पर देखिए 1 के पावर 17 है तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ इकाई के स्थान पर 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 1 आएगा, तो 6 × 3 = 18 × 54, ये 54 आ गया, तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही होगा, इकाई के स्थान पर 4 मिल गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भिन्न दिया हुआ है 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या सबसे बड़ी भिन्न है ये बताना है, यहाँ पर इसके विकल्प दिए गए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भिन्न 2 प्रकार की है। एक भिन्न वो है जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा है, अंश छोटा और हर बड़ा है। एक भिन्न वो है जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये जो भिन्न है जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है, यही उचित भिन्न है, इसी को उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो अंश बड़ा और हर छोटा है ये उचित भिन्न नहीं है, ये भिन्न है लेकिन उचित नहीं है, इसमें मिक्स है। इसका एग्जाम्पल है जैसे ये 5/2 है, 7/3 है, इसमें देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसमें कुछ भिन्न है और कुछ इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मीन्स 5 को 2 और 1/2 लिख सकते हैं, यानी 2.5 है, ये 5 में 2 से भाग देंगे तो ये 2.5 आएगा, तो 2 पूरा है और आधा और है, इसलिए ये पूरा शुद्ध भिन्न एक तरीके से कहेंगे तो ये नहीं है। यहां पर जो चीज मिलेगी, भिन्न का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, सही भिन्न का अर्थ यही है, लेकिन यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू नहीं है, 1 से बड़ी है, तो ये भिन्न की श्रेणी में भले है लेकिन शुद्ध भिन्न या उचित रूप से भिन्न वह होती है जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है। अब देखिए अगर भिन्न जैसे ही आपको भिन्न दिखाई दे तो सबसे पहले आपको ये चीज सोचना है कि जो भिन्न दी गई है क्या ये उचित भिन्न है या उचित नहीं वाली भिन्न है। तो ये जो भिन्न दी गई है ये उचित भिन्न है, और यहां पर एक और बात ध्यान देने की है कि अंश और हर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 1 समान है सभी भिन्नों में। आप देखिए 13/15 में अंश और हर के बीच में 2 का अंतर है, 15/17 में अंश और हर के बीच में 2 का अंतर है, 17/19 में भी 2 का अंतर है और 19/21 में भी 2 का अंतर है। तो सभी भिन्नों में 2-2 का अंतर यानी समान अंतर है। तो जब इस तरह की बात होती है कि उचित भिन्न हो और उनके अंश और हर का अंतर 1 समान हो, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी काम करती है कि जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें अंश और हर किस भिन्न का बड़ा है, तो ये 19/21 का अंश और हर सबसे बड़ा है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो इसका आंसर ये हो गया। अगर आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं तो आप यहाँ सिर्फ ये देखते कि ये उचित भिन्न है कि नहीं, जैसे ये पता चल जाता कि ये उचित भिन्न है और सब में अंतर 1 समान है, तब आप तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते कि वो बड़ी भिन्न जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पर ये सबसे छोटी भिन्न है और ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो हमको सबसे बड़ी भिन्न बताना था, इसलिए 19/21 ये आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 2^3 × 3 × 5^2 × 7 एक संख्या है, दूसरी संख्या है 2^4 × 3^2 × 5 × 7^2 × 11 तथा 2 × 3^3 × 4^4 का एलसीएम
यानी लसा प क्या होगा ये ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया होगा कि अगर आपको सही तरीके से बेसिक चीजें समझनी है तो मेरा एलसीएम एचसीएफ वाला वीडियो देख लीजिए। फिर यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं दी हैं, ये सब संख्या है, ये संख्या नंबर एक है, ये संख्या नंबर दो है, ये संख्या नंबर तीन है, ये तीन संख्याएं हैं। इन तीन संख्याओं में जितने जितने टाइप के प्राइम नंबर यूज हुए हैं उन सबको लिख लेंगे, चाहे कॉमन हो या न हो, जितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं उन सबको लिखना है। तो देखिए दो यूज हुआ है, तीन यूज हुआ है, पांच यूज हुआ है, सात यूज हुआ और ग्यारह, इतने प्राइम नंबर या तो एक में है या दो में है या तीन में है, ये सब में यूज, सब में मिला करके ये प्राइम नंबर यूज हुए हैं। अब अगला स्टेप क्या है कि एलसीएम निकालते समय इन प्राइम नंबर्स का देखा जाता है कि किस संख्या में मैक्सिमम पावर वाले हैं, तो दो का अधिकतम पावर क्या है। तो यहां पर देखिए पहली संख्या में दो का अधिकतम पावर तीन है, दूसरी संख्या में दो का अधिकतम पावर चार है और तीसरी में दो का अधिकतम पावर एक है। तो हमको दो का सबसे ज्यादा पावर लेना है, तो दो का अधिकतम पावर चार है तो दो का अधिकतम पावर चार ले लेंगे। अब फिर अगली संख्या तीन का देखेंगे कि तीन का सबसे बड़ा पावर इन तीनों में क्या है। तो यहां पर देखिए यहां तीन के पावर तीन है, यहां तीन के पावर दो है, यहां तीन के पावर एक है, तो हम लोग तीन के पावर तीन लेंगे, तो तीन के पावर तीन ले लिए। अब पांच का देखेंगे कि पांच का हाईएस्ट पावर या अधिकतम पावर क्या है, तो देखिए यहाँ पांच का अधिकतम पावर फोर है जबकि इसमें टू है और इसमें एक है, तो हम लोग पांच का अधिकतम पावर फोर लेंगे। अब सेवन का अधिकतम पावर क्या है, तो सेवन यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पर तीसरे संख्या में सेवन नहीं है तो यहाँ पर दो है, तो सेवन का अधिकतम पावर दो लिख देंगे। और ग्यारह सिर्फ दूसरी संख्या में है तो ग्यारह एक ही है तो उसका पावर एक ही है। अब ये उत्तर देखेंगे कि किस विकल्प में मिलता है, तो विकल्प देखिए ए में ये उत्तर नहीं है क्योंकि इसमें सात और ग्यारह नहीं है, इसमें सब सात सारे इसमें प्राइम नंबर जो यूज हुए हैं सब लिखा है लेकिन इनके अधिकतम पावर्स नहीं लिखे हैं, इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब सी वाला देखते हैं कि क्या ये आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, हमारे आंसर से ये मेल खाता है तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें और एचसीएफ निकालते समय जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं उनको लिखते हैं और उसमें सबसे उनके छोटे पावर लिखते हैं, एलसीएम में सारे प्राइम नंबर यूज वाले लिखते हैं और सबसे बड़े पावर उनके लिखे जाते हैं। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एचसीएफ में कॉमन लिखे जाएंगे और उनका छोटा पावर लिखा जाएगा, एलसीएम में कॉमन हो चाहे न हो सभी यूज किए गए प्राइम नंबर लिखे जाएंगे और उनके अधिकतम पावर लिखे जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन करने में हमको एक खास बात यह ध्यान रखनी है कि इस पूरे मिलावट में या मिश्रण में जो प्रक्रिया की जा रही है उसमें किस चीज की मात्रा नहीं बदल रही है, यही हमारा क्लू होता है इस तरह के प्रश्नों को करने में। तो देखिए इसमें 50 ग्राम एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन है, एक शेविंग लोशन है जिसमें 50% एल्कोहल है और 50% पानी है। अब उसमें कितना ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल अब 30% हो जाए, पहले ये 50% है अब 30% हो जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखिए ये 50% 9 ग्राम में 9 ग्राम का 50% ये क्या है, ये एल्कोहल है, एल्कोहल की मात्रा नहीं बदल रही है, मात्रा किसकी बदल रही है, पानी की। तो पहले जो एल्कोहल होगा वही बाद में भी एल्कोहल होगा क्योंकि उसकी मात्रा तो बदल नहीं है। तो 9 ग्राम में 50% एल्कोहल है, तो एल्कोहल 9 ग्राम में 50% जो एल्कोहल की मात्रा होगी वही मात्रा ये 9 ग्राम में x ग्राम पानी और मिला दिया जाए मान लीजिए, तो अब ये लोशन में, ये लोशन पहले 9 ग्राम था, x ग्राम पानी हमने और मिला दिया,
लेकिन यहाँ पर जो लोशन है, लोशन में एल्कोहल है उसकी मात्रा नहीं बदल रही है, तो यहाँ भी जो एल्कोहल की मात्रा होगी वो वही होगी जो यहाँ पर है। तो इसका 30%, इसका 30% जब निकाल देंगे, देखिए यहाँ भी 9 का 50%, 9 प्लस एक्स का 30%, तो ये प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए दोनों तरफ से, तो ये 9 × 50 हो गया और यहाँ पर 9 × x × 30 हो गया। तो देखिए 1 0 से 1 0 आपने काट दिया और 3 से ये 9 काट दीजिए 3 बार में, तो यहाँ पर 15 बचा और यहाँ पर आपका 9 + x बचा। इस 9 को इधर लाएंगे तो 15 में से 9 घट जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यानी x को हम लोग माने थे कि इतना ही पानी मिलाया जाएगा 1 ग्राम, तो 6 ग्राम पानी मिलाया जाएगा जब उस लोशन में, तो वहां एल्कोहल 30% हो जाएगी। इसमें से 6 ग्राम कोई आंसर नहीं है, तो इसमें हमारा डी वाला आंसर सही होगा कि इनमें से कोई नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी 1% का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। वाई का एक्स प्रतिशत धन एक्स का वाई प्रतिशत क्या होगा, ये बड़ा आसान है, आइए इसको देखते हैं। वाई का एक्स प्रतिशत यानी वाई गुणे एक्स बटा 100 प्लस एक्स का वाई प्रतिशत यानी एक्स गुणे वाई बटा 100, ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या, यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2xy/100 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं xy × 2/100, और 2/100 को क्या लिखते हैं, देखिए xy और 2/100 को 2% लिखते हैं, तो इसी को यहां पर लिख देंगे xy का 2%। ये xy × 2/100 को 2/100 हमारा 2% है, तो xy का x × 2/100 को क्या लिखेंगे, xy का 2%। तो इसका आंसर कहाँ है, ये बी वाला आंसर है, इसका आंसर है xy का 2% है दोनों को जोड़ने पर। आइए अगला, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, तो गलती का प्रतिशत क्या है। अब देखिए उसे 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटना था और उसने काट दिया 10.1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में उसने कितनी गलती किया, 0.1 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर में उसने 0.1 सेंटीमीटर की गलती किया। तो अगर 100 सेंटीमीटर कपड़ा होता, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 सेंटीमीटर, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, इस 10 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1% उसकी गलती होने के चांसेज हैं या गलती हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायु के 2250 भागों में से 2250 भागों में से 5 भाग ऑक्सीजन है, यानी इतना भाग हवा है, 2250 भाग हवा है, उसमें से 5 भाग ऑक्सीजन है, तो वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो जिसके सापेक्ष बात की जा रही है, बात किसके सापेक्ष की जा रही है, 2250 ऑक्सीजन वायु की, ये वायु के इतने भाग में 5 भाग ऑक्सीजन है, सिर्फ 5, इतने में 5 ऑक्सीजन है, तो अगर 100 में ऑक्सीजन की बात की जाती तो कितना होता। तो देखिए ये प्रतिशत में बदल गया कि 5 से इसके काट दीजिए, 5 × 4 = 20, देखिए ये और 5 × 25 एक कट गया, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 9 = 45, ये 2/9%। तो 5 भाग जो है 2250 का 2/9% के बराबर है, तो इतने प्रतिशत ऑक्सीजन है 2250 भाग में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीदता है, 10 रुपए में 12 आम खरीदकर उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो इस पूरे लेन देन में हानि होता है या लाभ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक टेक्निक्स बताता हूं, जिसको यूज करेंगे तो कभी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे एक आदमी 1 रुपया में
छह नींबू खरीद कर एक रुपया में चार नींबू बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है। तो देखिए, जब एक रुपया में छह खरीद कर लाता है और एक रुपया में चार ही बेचता है तो दो नींबू उसके बच जाते हैं, तो दो नींबू के जो पैसा लगा है वही उसका लाभ है, तो दो नींबू का लाभ होता है। यानी चार नींबू बेचने पर दो नींबू का लाभ होता है। यहाँ ये टेक्निक्स लगाई जाएगी। यहाँ पर कुछ अलग तरीके की टेक्निक्स है, वो क्या है कि हम लोग यहाँ मात्रा लिख लेंगे और यहाँ मूल्य लिख लेंगे और यहाँ पर खरीदा लिखेंगे। खरीदा कितने में खरीदा भाई? 12 आम 10 रुपए में खरीदा है। खरीदा है 12 आम, मात्रा कितनी है 12 की, खरीदा कितना है 10 रुपया। अब देखिए बेचा क्या है, बेचा 10 आम, 10 आम बेचा है कितने में 12 रुपए में। देखिए 12 आम 10 रुपये में खरीदा है, 10 रुपये में 12 आम खरीदा है और 10 आम 12 रुपये में बेच रहा है तो निश्चित रूप से लाभ हो रहा है, आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर जो मात्रा है इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम 10 का गुणा कर दें और इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो देखिए 12 दहा में 120 और 10 बरे यानी 120 आ जाएगा यहाँ भी और 120 यहाँ आ जाएगा। तो हमने ऊपर ये 10 का गुणा अपने मन से कर दिया तो यहाँ भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10 का गुणा कर दिए तो ये 100 हुआ, यहाँ 12 का हमने गुणा किया तो यहाँ भी 12 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 144 हो जाएगा 12 12 गुणा। अब आपको क्या ध्यान लगाना है कि 120 आम, अब देखिए मात्रा बदल गई, 120 आम 100 रुपया में खरीदा और 120 आम 144 रुपया में बेचा, यानी 120 आम 100 रुपया में खरीदा और 120 आम 144 रुपया में बेचा है तो यहां पर कास्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 144 रुपया, तो लाभ कितने रुपये का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 44 रुपये का। तो ये लाभ का प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 100 रुपया लगा करके 44 रुपया का लाभ कमाया है तो 100 रुपया लगा के 44 रुपये का लाभ कमाया है तो 100% निकालने के लिए 44/100 × 100 तो 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 44%, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 44%। ये वाला आंसर सही होगा, आंसर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक पशु व्यापारी यदि किसी गाय को 730 रुपए के स्थान पर, यानी 730 रुपए के स्थान पर 750 रुपए में बेचता है तो उसे 10% अधिक का लाभ होता है तो गाय का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहां पर एक मेन बात यह समझनी है कि आप फार्मूला पर मत जाइए, आप इसके तथ्य पर ध्यान दीजिए कि 730 रुपया पर जब वो बेचता था तो जो भी लाभ उसे होता था, जब वो 750 रुपया में बेच रहा है तो उसको लाभ 10% पहले वाले से अधिक हो रहा है, तो यहां पर 20 रुपया का डिफरेंस हो रहा है तो 10% अधिक लाभ मिल जा रहा है 20 रुपया पर 10% अधिक लाभ मिल जा रहा है तो हमको वैल्यू 100% का निकालना है तो 100% यानी 10% अगर 20 रुपया के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा। तो ये देखिए 10 का 10 गुना 100 है तो यहाँ 20 का 10 गुना आपको करना है तो 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो यहाँ पर 10% 20 रुपया के बराबर है तो 100% 200 रुपये के बराबर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 200 रुपया। तो गाय का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 200 रुपया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपये के 3 वर्ष तथा 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर 20 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज को हम लोग SI कहते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और ये ब्याज होता है, साधारण ब्याज। तो ब्याज को हम लोग पहले वाले ब्याज को SI1 मान लें, तो मूलधन यहां पर 1200 रुपया है और 3 वर्ष का ब्याज है, दर निकालना है तो 12 × 3, और दर को हम लोग R मान लें और इस 100 को इधर गुणा कर देंगे तो 100 SI1 इसको कहें। ये एक सिंपल सा समीकरण बन रहा है 100 SI1, और ये मूलधन 1200, समय 3 और R को हम लोगों ने दर मान लिया है जिसको निकालना है। और ये दूसरे वाले के लिए 800 रुपये के लिए, 800 रुपये के लिए समय 4 वर्ष है तो 4 और दर वही है, और यहां पर 100 × SI2 मान लें और इसको आप गुणा करेंगे। देखिए यहां पर आप गुणा करेंगे तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा और ये 8 × 4 = 32 होगा, तो 36 में से 3600 में से 3200 निकल गया तो कितना बचेगा, 32 और 4 = 36 होता है तो 400 बचेगा, 400 R बराबर, यहां पर देखिए 100 और यहां हो जाएगा SI1 − SI2, और इस 100 से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो को काट दीजिए, यहां पर 4R हो गया और SI1 − SI2 यानी ब्याजों का अंतर जो है 20 रुपया है, तो ये 20 हो गया, तो R बराबर क्या हो गया 20/4 और ये हो गया 5%, तो R 5% यहां पर आ गया, जो ब्याज की दर थी वो 5% आ गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक नियम पर आधारित ये प्रश्न है कि यदि 9 मजदूर 200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा एक पक्का फर्श 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में पूरा बना लेते हैं, तो 6 मजदूर 150 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा फर्श 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में बनाएंगे। ये एक एक नियम पर आधारित प्रश्न है, तो इसको एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, उसे आप याद रखिए और ये इससे जल्दी से आता है। फार्मूला क्या है कि m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2 अपान यहां w1 और यहां w2 है। ये क्या है, m1 और m2 जो है आदमियों की संख्या है मैन, d1 और d2 जो है दिनों की संख्या है, h1 और h2 जो है आवर्स यानी घंटों की संख्या है, w1 और w2 वर्क है, काम है, ये काम अलग है, ये काम अलग है। यहां पर आप देखिए कि काम यहां पर अलग है, यहां 200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा काम है, यहां पर 150 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा काम है, तो दोनों काम अलग हैं। यहां पर 9 मजदूर हैं, यानी M1 9 है, यहां M2 6 है, 6 मजदूर हैं, यहां पर दिन 6 है, यहां पर दिन निकालना है यानी D2 निकालना है, यहां 10 घंटा है और पहले वाले में 8 घंटा है, यहां हम लोग केवल वैल्यू रख देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिए, M1 यहां पर 9 है तो 9 लिखेंगे, D1 क्या है 6 दिन है, H1 क्या है 8 घंटा काम करते हैं, W1 क्या है, ये जो फर्श बनाते हैं इसका क्षेत्रफल बनाते हैं, तो यहां पर वास्तव में क्षेत्रफल लिखना है, तो 200 मीटर गुणे 45, तो 200 मीटर गुणे 45 ये क्षेत्रफल आएगा जो कि W1 यानी पहला काम है। अगला काम क्या है कि इसमें मजदूर यानी M2 6 है, 6 मजदूर हैं, D2 आपको निकालना है और H आपको 10 घंटा दिया हुआ है, और यहां पर काम दिया हुआ है 150 और ये दिया हुआ है 100। अब आपको क्या करना है, अब आपको काटना है, तो देखिए ये दोनों नीचे हैं, ये भी नीचे हैं, तो ये 100 से 2 बार में 100 × 200 में ये कट गया, ये देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देंगे तो ये 15 × 3 = 45 कट गया, ये 6 से 6 कट गया, ये 3 से 3 बार में 9 कट गया, ये 2 से 4 बार में 8 कट गया, तो 4 × 3 = 12 हुआ,
तो डी टू कितना आ गया 12 दिन। तो ये बहुत ही सरल तरीके से अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस तरह के क्वेश्चन जो यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम पर है आप कुछ सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 12 दिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर पर आधारित। निम्नलिखित वर्षों पर विचार कीजिए, 1600 वर्ष, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 और ये 2400। उपरोक्त में कितने अधिवर्ष हैं? अधिवर्ष को अंग्रेजी में लीप ईयर भी कहते हैं। तो जब कोई शताब्दी वर्ष होते हैं तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होते हैं? तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब होते हैं जब वह वर्ष 400 से भाग देने पर, 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। अगर कोई साधारण वर्ष है और उसे पता करना है कि ये लीप वर्ष होगा कि नहीं तो 4 से कटना चाहिए। जैसे 2016 है तो 2016 ये लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से कटता है। तो जो वर्ष 4 से कट जाते हैं वो भी लीप वर्ष होते हैं, लेकिन जो शताब्दी वर्ष 400 से कटते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। तो हम लोग यहां पर जो वर्ष दिए गए हैं वो सब शताब्दी वर्ष हैं। अब इसमें हमको वो ढूंढना वर्ष है जो 400 से कट जाएंगे। तो 400 से कटने के लिए देखिए, ये 400 से कट जाएगा 1600, ये 400 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2400 से कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये 2400 से कट जाएगा। तो कुल कितने यहां पर शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जो 400 से कट जाएंगे? तो 1, 2 और 3, तो मात्र 3 मिले। तो इसमें ये जो शताब्दी वर्ष दिए गए हैं इसमें केवल 3 अधिवर्ष मिले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 संबंधे 15 संबंधे 8 के अनुपात में है। यहां पर गौर कीजिएगा, 17 संबंधे 15 संबंधे 8 के अनुपात में है। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? हमको यहाँ एक बात समझनी है कि जब भी कोई चीज रेशियो में दिया रहता है तो हम जिसे यहाँ पर दिया है 17 संबंधे 15 संबंधे 8, 17 संबंधे 15 संबंधे 8 दिया है, तो हम एक्स मान लें और एक्स को सब में गुणा कर दें तो ये ओरिजिनल वैल्यू में बदल जाएगा, यानी 17x, ये 15x, ये 8x। तो इसकी एक भुजा 17x, एक भुजा 15x, एक भुजा 8x होगी। तो सभी भुजाओं का जो योग होता है उसी को परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो 17x धन 15x धन 8x जोड़ेंगे तो देखिए 8, 5, 13, 7, 20 की शून्य हासिल 2 और 2 और 2, 4, तो ये 40x आ गया। और 40x यानी परिमाप 40 दिया है तो x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1 आ गया। तो इसका मतलब कि एक भुजा 17 है, एक भुजा 15 है, एक भुजा 8 है। तो 17, 15, 8 ये ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट मींस क्या होता है कि इनका वर्ग करेंगे ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में ये 8 है, ये 17 है, ये 15 है और ये 90 डिग्री का कोण है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो समकोण त्रिभुज कैसे बना, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर मिलेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये भुजा लंब है और ये भुजा आधार है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब, कुछ भी लिखिए। तो 1/2, यहां लंब 8 है और आधार कितना है 15, तो 2 × 8 15 × 60, तो ये 60 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। ये पहला वाला आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्रफल पर आधारित है। एक खेत सम चतुर्भुज के आकार का है, सम चतुर्भुज के आकार का है, इसके विकर्ण क्रमशः 40 मीटर और 25 मीटर है। तो खेत में 2.5 रुपया यानी 2.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी देने का खर्च क्या होगा? एक खेत है जिसका आकार सम चतुर्भुज टाइप का है
उस खेत में 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी देने का खर्च पूछा जा रहा है। तो हमको इसमें करना क्या होगा कि पहले तो ये जानना होगा कि समचतुर्भुज किस तरह का होता है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, और क्षेत्रफल निकल जाएगा जो कि वो वर्ग मीटर में आता है, तो एक वर्ग मीटर का 2.5 रुपया खर्च है, तो क्षेत्रफल में 2.5 रुपये का गुणा कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा। ये इसकी गणित है। अब इसे करते कैसे और समझिए आगे। तो समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में इसमें क्या अंतर है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं जबकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। देखिए एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, इसमें दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के हैं, तो यहाँ बराबर नहीं होते। तो एक विकर्ण ये 40 है और एक विकर्ण 25 है, दोनों विकर्णों की लंबाई दिया है। तो जब किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया रहता है तो उसका जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2 होता है। d1 d2 क्या है, ये विकर्णों की लंबाई है, ये d1 है और ये d2 है, ये विकर्णों की लंबाई है। तो यहां से आपको क्षेत्रफल आ गया 1/2 40 × 25 है, ये 40 20 से कट जाएगा, 20 × 25 × 50 ये 500 हो गया। देखिए 25 × 50 होगा 10 पहले से, तो 500 वर्ग मीटर हो गया, 500 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का 2.5 रुपया खर्च है, तो 500 वर्ग मीटर का तो खर्च कितना आ गया, 2.5 में 500 का आप गुणा करेंगे तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12 यानी 10 ये कट जाएगा तो 1250 रुपया इसका खर्च आएगा। तो आंसर इसका सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है, ये घनाभ पर आधारित है। एक संदूक की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 6 मीटर और 4 मीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया। यदि इसमें 15 घन मीटर ये आयतन है, 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जाएं, तो घनों की रखे जाएं, यदि 15 घन मीटर आयतन वाले घन रखे जाएं तो उन घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहां पर जो संदूक दिया है वो घनाकार है, तो घनाकार संदूक का जो आयतन होगा यानी जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई देखिए 10 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 4 है, ये घन मीटर आ गया, ये क्या आ गया, संदूक का आयतन आ गया। अब इस बड़े संदूक में 15 घन मीटर आयतन वाले घन रखे जाने हैं, कई थे घन रखे जाने हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप माचिस का पूरा जो पैकेट खरीदते हैं वो एक घन के रूप में होता है, तो अगर बड़े से कार्टून में उनको रखा जाए तो कितने माचिस के वो पैकेट आ सकते हैं उस कार्टून में, उसी टाइप की ये बात है। एक बड़ा सा संदूक है, उस संदूक में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने बक्से या कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, ये इनकी संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, संदूक के आयतन में इस 15 घन मीटर आयतन वाले डब्बे से भाग दे देंगे तो हमको घनों की संख्या आ जाएगी, डब्बों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 10 × 6 × 4 ये संदूक का आयतन है, इसमें 15 से हम लोग भाग दे देंगे तो देखिए 5 × 10 और 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6 तो 4 × 2 = 4 हो गया और 4 × हो गए तो ये 16 आ गया। तो 16 घन इसमें रखे जा सकते हैं उस संदूक में जिसका आयतन ये है और एक घन का आयतन 15 है, तो 16 इसकी संख्या आ गई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक्स किसके बराबर है, यानी इस एक्स की यहां से यहां तक कोण का मान पूछ रहा है। देखिए ये जो दो लाइन्स है ये पैरेलल है, ये L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं और एक्स का मान पूछा है, तो हम ये जो रेखा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये एक समांतर रेखा हो जाएगी, इस समांतर रेखा को ये एक रेखा काटेगी,
तो अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होगा। दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा काटती है तो ये जो कोण बनता है इसको एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एकांतर कोण कहिए या अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखिए ये 45 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 40 और 30 75, ये हो गया 45 और 30 मिलके ये 75 डिग्री हो गया। अब ये पूरा 180 होता है तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10 7 1 8, तो ये कोण 105 डिग्री का हो गया, ये इतना कोण 105 डिग्री का हो गया। यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां तक कितना है, 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन है, और इस 180 डिग्री में इतना कोण हम लोग और जोड़ दें यानी 105 और जोड़ दें तो आपको कौन वाला कोण मिल जाएगा, ये पूरा एक से यहां तक मिल जाएगा। तो 180 डिग्री में 105 डिग्री और जोड़ देंगे तो 5 ये 8 ये 2, तो ये यहां से यहां तक यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो 285 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से 2 गुना है तो इस कोण की माप क्या है। तो संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, मेरा वीडियो इस पर पहले से है, आप उसे जरूर देख लीजिए। उसको देख लेने से आपके इस पर आधारित सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां पर क्या होता है, समपूरक कोण उसको कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाता है उनको समपूरक कोण। तो मान लीजिए कि जो कोण आपको निकालना है वो थीटा है, जो कोण निकालना है वो थीटा है, एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से 2 गुना है, तो वो कोण हमने थीटा मान लिया, तो इसका संपूरक कोण क्या है, यहां से ये होगा यानी 180 अंश माइनस थीटा इसका संपूरक कोण होगा। अब ये कह रहा है कि ये जो कोण है इसके संपूरक कोण यानी 180 माइनस थीटा का 2 गुना इसके बराबर है। इसका अर्थ क्या है कि 180 माइनस थीटा का 2 गुना यानी 2 से गुणा करेंगे तो ये थीटा के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो देखिए ये गुणा करेंगे तो ये 360 डिग्री, ये इसमें करेंगे तो 2 थीटा, ये बराबर थीटा, ये 2 थीटा इस साइड में जाएगा तो 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो थीटा बराबर 120 डिग्री, तो इस थीटा का मान आ गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जिसमें लिखा है 3 महीने 5 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। तो ये एक कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन है, और साधारण सी बात है 3 महीने, यहां पर जो महीने लिए जाएंगे एक माह में यहां 30 दिन लिए जाएंगे। ध्यान जो देने वाली बात है, एक सप्ताह जो होगा वो 7 दिन का होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 3 महीने 5 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे, तो हम लोग इसे दिन में बदल लेंगे। 3 महीने 1 महीने में 90 दिन होता है, 30 दिन होता है, तो ये हम लोग ये 30 दिन लिखेंगे 1 महीने में, और 3 महीना है तो 30 3 90, 5 सप्ताह 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे और 12, ये कुल टोटल दिन हुआ, कुल दिन ये हुआ। अब देखिए 30 3 90, ये 35 और ये 12, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7, ये 7 हो गया, 1 और 3 4 और 9 4 13, 137 दिन, तो कुल मिलाकर 137 दिन हुआ, जो कि इसका आंसर डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक मापन पर क्वेश्चन है कि श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः 11:55 मिनट, मैंने सुबह में 11:55
मिनट पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और वह कोयम्बटूर 15 मई 2007 को प्रातः 9:30 बजे पहुंचा। यात्रा की कुल अवधि क्या है? तो ये जो टाइमिंग लगा, हम लोग इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके कोर्स में रेलगाड़ी और बस की समय यात्रा है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के कैसे करते हैं। देखिए 13 मई 2007 को प्रातः 11:55 बजे, तो जो जितना टाइम होता है, जैसे 13 मई को 11:55 से लेकर और 14 मई को अगले दिन 11:55 तक 24 घंटा होगा। तो 13 मई को 11:55 से 14 मई 11:55 तक कुल 24 घंटा हो जाएगा, 24 घंटा ये हो जाएगा। अब 14 मई को 11:55 सुबह की बात हो रही, मैंने 12 बजे में 5 मिनट कम है, तो 14 मई को 11:55 से 12 बजे रात तक, 14 मई को 11:55 से 12 बजे मध्य रात्रि तक कितना टाइम होगा? 12 घंटा 5 मिनट हो जाएगा, ये 12 घंटा 5 मिनट होगा, 12 घंटा 5 मिनट। अब देखिए रात के 12 बज गए, अब रात के जब 12 बज गए हैं तो वहां से फिर नया दिन शुरू होता है। तो रात के 12 बजे के बाद यानी 14 और 15 मई ये रात्रि का 12 बजा है, तो रात्रि के 12 बजे से सुबह 9:30 बजे तक 9 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 6 घंटा ये 3। तो 14 और 15 मई को रात्रि के 12 बजे से सुबह या प्रातः 9:30 बजे तक कुल कितना हो जाएगा? 9 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 9 घंटा 30 मिनट, 12 बजे रात से सवेरे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक 9 घंटा 30 मिनट आए। अब सब टाइम हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए ये 24 घंटा है, तो 24 और घंटा को ऐसे लिखते हैं 24, ये 0 0, फिर 12 घंटा और 5 मिनट आया है यहां पर, और फिर यहां 9 घंटा 30 मिनट। अब सब टाइम जोड़ लेंगे, तो ये 5, ये 3, और ये देखिए 4 2 6 9 6 15 के 5 हासिल, 1 2 1 3 1 4, यानी 45 घंटा 35 मिनट बाद वह कोयम्बटूर पहुंचेगा, या 13 मई 2007 को 11:55 पर जब वो सुबह में चला है तो 15 मई 2007 9:30 बजे तक उसे 45 घंटा 35 मिनट लग चुके होंगे। तो यहां पर जो आंसर है वो सी सही है, 45 घंटा 35 मिनट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए एक और मापन पर आ गया, मापन जो आपके सिलेबस में है कि 45 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में कितना होगा मान इसका। ये डिग्री और फारेनहाइट सेंटीग्रेड ये क्या चीजें हैं, जिसे हम टेम्परेचर को नापने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं। जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। जैसे घर में जो बुखार नापने का थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर पर दोनों चिन्ह बने होते हैं, फारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। तो वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का, मनुष्य का होना चाहिए, वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, जबकि अगर उसे सेंटीग्रेड में कहा जाए तो लगभग वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यहां पर हम लोग एक चीज यहां पर देखेंगे, एक सूत्र आपको याद रखना होगा फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने के लिए, या सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में कैसे बदला जाता है,
तो ये सूत्र आपको एक याद रखना होगा, सी बाई फाइव यानी सी माने सेंटीग्रेड, उसके नीचे फाइव बराबर एफ माइनस 32 बटा 9। ये एफ फारेनहाइट है और ये 32 इसमें से माइनस किया गया उसका 9। ये जो फार्मूला है वो आपको सेंटीग्रेड से फारेनहाइट, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने का काम देता है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बदलते हैं। तो ये फारेनहाइट दिया हुआ है 45 डिग्री यानी 45 फारेनहाइट को हम लोगों को सेंटीग्रेड में बदलना है, तो C बाई फाइव बराबर F की जगह पर हम लोग 45 लिख देंगे और इसमें से 32 माइनस करना है, तो 45 में से 32 निकल गया, देखिए 5 में से 2 निकलता है तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 3 निकलेगा 1 बचा, यहाँ C बटा 5 यहाँ 13/9। अब इस 5 को इधर तिरिय गुणा करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 5 × 13/9 यानी 13×5 = 65/9 और 9 को 65 में भाग देंगे तो 9 × 7 = 63, यहाँ 2 उतरेगा और 9 × 2 = 18, तो 7.2 डिग्री सेल्सियस ये बदल गया, तो इसका आंसर 7.2 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदल गया। इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एरिया और परिमाप पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान है, परिमाप मीन्स पेरीमीटर बराबर है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है डायगोनल्स 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिए ये एक वर्ग है, वर्ग को आप जानते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और यहां पर ये एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, पेरीमीटर मीन्स परिमाप बराबर है। तो यहां पर देखिए परिमाप दिया नहीं है कि क्या है, लेकिन इतना बात दिया है कि बराबर है। अब वर्ग का एक विकर्ण दिया है और ये विकर्ण दिया है √12√2 सेंटीमीटर विकर्ण दिया है, तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग की सब भुजा बराबर है, तो अगर भुजा हम इसको एक्स मान लें तो ये भी एक्स होगा, और यहां पर वर्ग में ये हर कोण अंदर वाला 90 डिग्री का होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय बताती है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x² इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी 2x² 12 का वर्ग यानी 144 × 2 के ये √2 का वर्ग होगा तो 2 होगा, 2 के बराबर होगा। अब ये देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो x² बराबर आ गया 144, तो x बराबर कितना आ गया 12, तो x बराबर 12 आ गया। इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर चारों भुजाओं का योग, तो 12 में 12 को 4 बार जोड़ दीजिए या 4 से गुणा कर दीजिए, तो 12 × 4 = 48। ये जो 48 पेरीमीटर है यही पेरीमीटर इसका भी है, यानी ये जो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का भी पेरीमीटर 48 है, तो इसमें भुजा 3 से होती है, तो अगर एक भुजा a मान लिया जाए तो 48 में 3 से भाग दे देंगे तो a मालूम हो जाएगी, यानी इसकी एक भुजा मालूम हो जाएगी, तो ये 16 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर हो गई, तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया होता है वो √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है, तो यहां पर √3/4 और भुजा 16 आ गई, 16 का वर्ग यानी 16 × 16, तो 1 × 4 से ये 16 कट जाएगा 4 बार में, तो 16 × 4 = 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर ये पहला विकल्प सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है, इसमें दिया है कि आलेख से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। तो यहां पर हम लोग अध्ययन करते हैं, यहां पर देखिए एक ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है इस पर अंक दिए गए हैं, जैसे 0 से 5 नंबर पाने वाले, 5 से 10 के बीच, 10 से 15 के बीच, 15 से 20 के बीच, ये एक वर्ग अंतराल रहता है, ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 यहां पर जो ये
आयत बने हैं इसको हिस्टोग्राम कहते हैं, ये इंक्लूडेड रहते हैं, ये अलग अलग नहीं रहते। इसका अर्थ ये है कि ये अंतरालों में रहते हैं, यानी 5 से 10 के बीच में 20 से कम नंबर पाने वाले। तो देखिए 20 ये अंक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो 20 नंबर यहां तक लोग पाए हैं, तो 20 नंबर पाने वाले ये 20 विद्यार्थी हैं जो 20 नंबर पाए हैं। अब 20 से कम पूछ रहा है, फिर 15 नंबर यानी 15 से 20 के बीच में 20 लोग नंबर पाए हैं, 20 विद्यार्थी नंबर पाए हैं, और 10 से 15 के बीच में 15 विद्यार्थी, ये 20 है देखिए यहां से, और 10 से 15 के बीच में 15 विद्यार्थी हैं, 5 से 10 के बीच में देखिए 5 से 10 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं। तो ये जो विद्यार्थी हैं इनकी संख्या जोड़ लेंगे तो 5 × 15 × 20, तो ये देखिए कितना आ गया, 20 × 10 = 30, नहीं ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10, ये 15 की जगह पर 10 है, तो 20 × 10 = 30 और 5 = 35, तो कुल 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 20 नंबर से कम अंक पाए हैं। तो इसका आंसर ए सही है, तो कुल 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 20 नंबर से कम अंक पाए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, 10101 यानी 10101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, इसमें 17 से गुणा होगा, तो 17 से एक बार गुणा करेंगे तो 17, चूंकि यहां पर 0 है तो एक जो हासिल लेंगे वो जुड़े में जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा, फिर इस 17 से इस एक में गुणा करेंगे तो फिर 17 आएगा क्योंकि इसके बाद 0 है, फिर लास्ट में 17 से एक में गुणा करेंगे तो 17 आएगा। तो ये 17 17 17 यानी ये वाला आंसर सही है। और आपको बता दें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट संख्या है, इस संख्या को अगर आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखें यानी इसको एक्सपेंड कर देंगे तो देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये 1000 लिखा हुआ है, फिर ये 100 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, 1000 × 100 × 1, ये इसका एक्सपेंशन फार्म में है ये, मतलब इसको अगर हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा वाले सेंस में लिखें तो इस तरह से ये चीज आता है। अब इसमें अगर हम कोई भी दो अंक ले लें, मान लीजिए कि एक्स वाई दो अंक ले लिए और इसमें गुणा कर दिए, इसमें गुणा कर दिए, तो यहां पर देखिए गुणा करेंगे तो एक्स वाई और ये 3 × 0 इसके बगल में आएगा, एक्स वाई का गुणा करेंगे, अब मैं यहीं पर जोड़ भी रहा हूं, फिर एक्स वाई का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई और 00 हो जाएगा, फिर एक्स वाई का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक के साथ गुणा करेंगे तो एक्स वाई होगा। अब सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर एक्स वाई मिलेगा, फिर इसको आप जोड़ेंगे 1 2 3 4, यहां 10 कम हो गया, यह देखिए 1 2 3 4 0 होना चाहिए और ये 20, यहां पर 10 कम हो गया, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो यहां पर ये एक्स वाई 00 है, फिर ये एक्स वाई, अब देखिए xy xy xy, यानी जिस अंक से आप गुणा करेंगे वही अंक 2 3 बार रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर 17 से गुणा हुआ है तो ये 17 तीन बार यानी x बार 2 बार 3 बार ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहां के परिणाम में ये चीज आती है। तो इस तरह की संख्या में जब भी आपसे गुणा करने को कहा जाए आप समझ लीजिए कि वो 2 3 बार रिपीट करके लिख दिया जाएगा, वही उसका सही उत्तर होगा। तो मित्रों मैंने आपको ये संभावित क्वेश्चन 2018 के लिए तैयार किया था, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इनका सॉल्यूशन और व्याख्यात्मक सॉल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर टिप्पणी करके बताइएगा। तब तक मैं दूसरा भाग इसका तैयार करूंगा, तब और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।